हे गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो फाइनली गाइस, हम आपके लिए लेके आ गए हैं ये खूबसूरत सा व्यू। और फिलहाल अभी जिस जगह पे हम ट्रैवल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कितना प्यारा हाईवे है। ये अभी जल्द ही बना है, जो अकबरपुर से अगर कभी आप विजिट करते हैं बसखारी की तरफ, तो बसखारी में अगर आप नहीं जाना चाहते, उससे पहले का ये हाईवे है। और ये हाईवे आपको वाराणसी तक कनेक्ट करेगा। अगर वाराणसी आप जाना चाहते हैं तो इस 4 लेन हाईवे से वाराणसी तक जा सकते हैं। और फिलहाल अभी देख सकते हैं हम टांडा की तरफ जा रहे हैं, और उसी रास्ते में पड़ता है एक प्यारा सा और खूबसूरत सा स्कूल। कभी ये स्कूल बहुत ही प्यारा और काफ़ी चहल पहल हुआ करता था, लेकिन जब भी यहाँ पे हाईवे का निर्माण हुआ है, जब लगभग इसकी 75% को ज़मीन जो थी स्कूल का, वो हाईवे में चला गया, तो काफ़ी एरिया छोटा हो गया। और शायद इसी कारण से ये स्कूल क्लोज हो गया, जगह ना होने की वजह से। लेकिन बड़ा ही प्यारा था, शायद ये इंटर कॉलेज था। और उसी से थोड़ा आगे चलते हैं और आपको एक खूबसूरत सी जगह दिखाते हैं। हम काफ़ी मतलब बहुत पहले विजिट किए थे, लेकिन आज इस मौसम में चल रहे हैं, और आज का मौसम देख सकते हैं काफ़ी रोमांचक है। तो फाइनली गाइस, अभी पहुंच चुके हैं हम। आप देख सकते हैं ये रहा भोले बाबा का खूबसूरत सा एक शिवलिंग, जिसके ऊपर नाग देवता विराजमान है। तो बहुत ही प्यारा और खूबसूरत सा ये शिवलिंग है। बहुत पहले हम विजिट किए थे, तो अभी हम इसी रास्ते से जा रहे थे, हमने सोचा लाओ आज आपको भी दिखाते हैं। और इसके बगल में आप देख सकते हैं कितना विकराल और विशाल वृक्ष है, जो पीपल का शायद है, शायद क्या कंफर्म पीपल का ये। और इसके बगल में कुछ टाइम पहले यहाँ पे झोपड़ियाँ हुआ करती थी, लेकिन आज जो है ये खंडहर में कन्वर्ट हो चुका है। तो काफ़ी शांति है यहाँ पे, मतलब शायद ही कोई यहाँ पे आता होगा। रेयर कंडीशन में शायद आना भी नहीं चाहिए, सिंगल तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्या पता यहाँ पर क्या हो जाए। ये हाईवे के जस्ट किनारे पे ही बना हुआ है, कभी ये ईंट का भट्ठा हुआ करता था, आज भी है भट्ठे, ईंट वगैरह है देख सकते हैं। और लेकिन यहाँ पे कोई रहता नहीं, पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि ये क्यों ऐसे वीराना हो गया। और बाकी देख सकते हैं जो झाड़ियाँ हैं बहुत बड़ी बड़ी हो चुकी हैं, क्योंकि फ़िलहाल बारिश का टाइम है, और बारिश के टाइम में लगभग झाड़ियाँ बड़ी हो जाती हैं। और ये रहा विशाल का चिमनी ईंट भट्ठे का, जो आसमान को चूमते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत ही विशाल है। आज हम फर्स्ट टाइम इतने करीब से ईंट भट्ठे को देख रहे हैं। हमने सोचा था चलिए चलेंगे, आप सबको भी यहाँ से अंदर का व्यू दिखाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने भट्ठे को इतने करीब से नहीं देखा था। लेकिन जो अंदर का व्यू है बहुत ही डेंजरस है, इतने बड़े बड़े घास हो चुके हैं कि शायद ही अंदर विजिट कर पाए हैं। तो अंदर ना जाते हुए हम आपको इसको किनारे से दिखाते हैं। और देख सकते हैं कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी, मतलब आप किधर भी देखेंगे चारों साइड में बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो चुकी है। तो यहाँ पे लोगों का आना जाना बिल्कुल नहीं है, शायद इसलिए इतनी बड़ी बड़ी झाड़ी हो चुकी हैं। और आपको हम दिखाएंगे यहाँ के चल के, जहाँ पे इस भट्ठे पे काम करने वाले जो वर्कर होते हैं, उनके लिए छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। तो उस कमरे को आपको दिखाना चाहेंगे। अगर आप देख पा रहे हैं तो दूर तक तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहाँ राइट साइड में देख सकते हैं छोटे छोटे जो कमरे थे उसके ऊपर भी झाड़ियाँ इतनी बड़ी हो गई हैं कि मतलब वो कमरा भी दिख नहीं रहा है, उसके ऊपर पूरी झाड़ियाँ चढ़ चुकी हैं। मतलब एक बारिश के टाइम में लता जैसा झाड़ियाँ उगती हैं ना, तो उसके ऊपर फैल चुकी हैं और उसको ढक दी हैं। बाकी आप देख सकते हैं काफ़ी सुनसान एरिया है, तो आने लायक तो यहाँ पे है ही नहीं इस मौसम में। बाकी एक खूबसूरत सा व्यू है आ रहा, देख सकते हैं बादल सफ़ेद सफ़ेद हैं, और कल रात को बारिश भी हुआ था, तो उसका देख सकते हैं पानी कुछ गड्ढों में दिखाई दे रहा है। तो हम कोशिश करते हैं इस भट्ठे को आपको हम करीब से दिखाएं, लेकिन तो फाइनली गाइस ऊपर हम आ गए हैं, क्योंकि बगल से चढ़ के आने के लिए छोटा सा रास्ता था। तो अंदर का व्यू कुछ ऐसा दिख रहा है, देख सकते हैं कितने बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो रखी हैं, हम मुश्किल से अंदर पहुंच पाते, तो ऐसे टाइम में अंदर जाना बड़ा ही डेंजर था। अच्छा हुआ जो हम अंदर नहीं गए, और कुछ भी हो सकता है इसमें, जानवर वगैरह हो सकते हैं, सांप तो कन्फर्म होंगे, क्योंकि बारिश का टाइम में सांप बिच्छू वगैरह घूमते रहते हैं ऐसे जगहों पे, क्योंकि ये सूखा होता है। और फिलहाल आप देख सकते हैं ये पास से जो है कितना नीचे तक दिखाई, लगभग हम 10 फीट ऊपर हैं। और फाइनली गाइस नीचे चलते हैं हम, और यहाँ फिसलने के बाद सडनली हम नीचे आ गए, आराम से आने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि जो शूज था वो स्लिप किया और नीचे आ गए। तो थोड़ा आगे चलते हैं और वहाँ से आपको भी दिखाते हैं।
हम अकेले आए नहीं हैं, क्योंकि हमारे साथ में मेरा फ्रेंड भी था, तो दोनों साथ में आए थे। हमको सेम रूट से जाना था, तो हमने सोचा लाओ आज यहाँ इस जगह पे विजिट करते हैं जो बहुत टाइम पहले हमने विजिट किया था। देख सकते हैं सुनसान हो रखा है। वीडियो में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।